साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉक में। आज हम साइंस टॉक में यूपीपीसीएस की प्रीलिम्स की 2019 में जो भी साइंस से क्वेश्चन आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे और कैसे उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं हम उसके बारे में भी देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं इसलिए ऐसे क्वेश्चन को देखना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, आइए। यूपीपीसीएस में साइंस सेक्शन से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 में 22, मतलब इसकी वेटेज आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर के कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। मतलब ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर हम जैसे कपूर को हम रख देते हैं, कैंपर को हम रख कपूर को रख देते हैं, नेफ्थलीन बॉल को हम रख देते हैं तो आप देखते हैं कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद उड़ने लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। मान लीजिए आपको नहीं पता है, सपोज के लिए, तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है जब पानी या कोई जब द्रव होता है, कोई लिक्विड होता है, जब धीमे धीमे वो उड़ने लगता है। ठीक है, जैसे पानी आप रख देते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं वो वेपराइज हो जाता है, ये वेपराइजेशन है। ठीक है, वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट विसरण। विसरण का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण होता है कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो कोई चीज मूव करती है उसको विसरण कहते हैं, तो ये विसरण नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विकिरण। विकिरण का मतलब आपको रेडिएशन, भाई ऐसे कोई रेडिएशन इसमें बात ही नहीं, तो बचा हमारे क्या? ऊर्ध्वपातन। तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन का मतलब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी आपका सॉलिड सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कैंपर हमारा, ये पहले लिक्विड में चेंज होना चाहिए, लिक्विड के बाद गैस में चेंज होना चाहिए, बट नहीं, जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से आपका गैस में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित में से किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है जब से जियो का फाइबर चालू हुआ है, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। देखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो आपके ऑप्टिकल फाइबर से जो कह सकते हैं मैसेजेस, या कह सकते हैं मैसेजेस कह सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन कहते हैं, एक जगह दूसरी जगह भेजी जाती हैं। अगला आप देखते हैं श्याम विवर क्या है। ध्यान दीजिएगा श्याम विवर क्या है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो श्याम विवर होता है, श्याम विवर को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं हम? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि अब आपको पता है ब्लैक होल आपको गैलेक्सी वगैरह के आसपास मिलेगा, तो भाई हवाई जहाज की उड़ान का भी लेकर ये भाई नहीं। फिर कह रहा है सूरज पर एक धब्बा, ये भी नहीं है ब्लैक होल। अंटार्कटिका की एक सतह, ये भी नहीं है। तो क्या सिमटा हुआ तारा? आपको पता है जो ब्लैक होल है ये क्या है? एक सिमटा हुआ तारा ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। और आपको पता है ब्लैक होल अभी भी प्रसार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। आवेशित का मतलब जब उसको हम चार्ज करते हैं, जैसे कोई साबुन का बुलबुला है। ठीक है, अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे, जब इसको हम चार्ज करेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि चार्ज करेंगे तो क्या होगा। तो याद रखिएगा जब भी हम किसी साबुन के बुलबुले को हम चार्ज करते हैं उसकी जो त्रिज्या होती है, उसकी जो रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है। रेडियस क्या करती है? डिक्रीज। जैसे मान लीजिए इतना बड़ा है, इसको हम चार्ज देंगे तो उसकी जो रेडियस होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडियस की इसकी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जब चार्ज करेंगे तो रेडियस इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ये नहीं होगा। जब भी हम किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसकी जो रेडियस होती है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, सॉरी मैं गलती से उल्टा बोल दिया, बढ़ जाएगी क्योंकि पहले से इतना ही है। जब चार्ज ज्यादा देंगे तो इसके अंदर कुछ और गैसेस सब्सटेंस बनेगी, इसकी चार्ज क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, त्रिज्या क्या होती है इसकी? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल, आपको पता है कि जो थर्मस में होता यह है कि इसमें ना तो एनर्जी आती है ना मास आता है। मीन्स आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स का रूल कि ये ना तो आपके एनर्जी के, ये ना तो एनर्जी के पार्टिकल को अंदर बाहर मूव करने देता है, इसके साथ साथ ना ही ये मास के पार्टिकल को मूव करने देता है। तो आप कह सकते हैं थर्मस में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, तो संचालन ये भी सही है, संवहन तथा विकिरण दोनों के दोनों ही सही। इसका ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि चाल ये थर्मस ऑफ फ्लास्क आपका इसी पे वर्क करता है कि ना तो एनर्जी और ना ही मास को ये अंदर बाहर होने देता है, उसको ये एडियाबेटिक बोलते हैं। ये फुल्ली एक एडियाबेटिक, ऐसा एडियाबेटिक एनवायरमेंट क्रिएट करता है जिसके चलते कि जो एनर्जी है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रकरण बोलते हैं। हिंदी में रुद्धोष्म प्रकरण, इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है,
चलिए, और याद रखिए कोई भी आज तक 100% एडियाबेटिक चीज नहीं बनी है, क्योंकि आपको पता है किसी भी तरह कर ले एनर्जी कुछ ना कुछ तो बाहर निकलती ही है। इसलिए यही कारण है कि 8 या 10 घंटे बाद थर्मस में भी चीजें गर्म होती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है गर्म होने लगती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? कैल्शियम विद्यमान होता है चीनी मिट्टी में, जिप्सम में, कोरंडम में, टैल्क में। तो आपको पता होगा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है, याद करिए थोड़ा सा, अगर जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 CaSO4 SO4 .2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है, किसका? .2H2O CaSO4 .2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है। और यही आपसे पूछते, और जिप्सम की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, पीओपी। क्या बनाते हैं हम? पीओपी। पीओपी को क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बहुत बार ये पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। तो होता ये है कि जब इसी जिप्सम में से हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं तो हमारा पीओपी बन जाता है। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी मतलब CaSO4 .12H2O। क्या होता है? .12H2O। ये हमारा पीओपी का फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 .12H2O। और ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 .2H2O। अगर आपको ये ना दिया गया हो, क्योंकि आपको हाफ मॉलिक्यूल तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो अगर ये दिया गया हो कि 2 CaSO4 .H2O, तो ये भी सही है, ये भी सही है आपका, क्योंकि पता है ना कि हाफ मॉलिक्यूल हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 CaSO4 .H2O, ये सही है। ठीक है, ये किसका है? पीओपी का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और जब CaSO4 .2H2O हो जाएगा तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। और जिप्सम में क्या है? कैल्शियम अवेलेबल है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको पता है कृत्रिम वर्षा, बार बार हम देख रहे हैं जो कृत्रिम वर्षा होती है ये किसके चलते होती है? तो आपको पता है सिल्वर ऑर्डाइट या सिल्वर ऑर्डाइट को जब शुष्क को हम शुष्क ऑक्सीजन के साथ या सॉरी शुष्क CO2 के साथ या डाई के साथ मिक्सअप करते हैं तो आपकी कृत्रिम वर्षा होती है, जो कि चाइना अक्सर कराता रहता है। ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, हाँ लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जो भी कह सकते हैं कि जो डिजीज जिनको गठिया हो जाता है तो उनकी बॉडी में जो पेन्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं दुधिया मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला हमारा होता है सॉरी MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। और ये जो MgOH का होल ट्वाइस है इसको हम एंटी एसिड की तरह या एंटा एसिड की तरह प्रयोग करते हैं। जो बहुत ज्यादा गैसेस बन जैसे डिस्प्रिन हो गया, इनो हो गया, इन सब में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज होता है एज एंटा एसिड के फॉर्म में। तो ये भी सही है हमारा। तो याद रखिएगा, पूछता है कि दुधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कहाँ होता है, तो याद रखिएगा प्रति अम्ल या एंटा एसिड के फॉर्म में यूज होता है। और बोरामाइड सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, और ये बताइए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण होता ही क्या, और इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का क्या रोल करती है, हमारा क्या गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब करें सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही सुमेलित करिए। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं इसमें हमारा क्या क्या सही है और कौन कौन सा इसमें सही नहीं है। अलवणीकरण, ठीक है, समुद्री जल, भाई बिल्कुल बात है, जो आपका समुद्री जल होता है इसको हम अलवणीकरण के थ्रू ही, इसमें जो लवण होते हैं या कह सकते हैं जो सॉल्ट होते हैं उसको अलग करके ही उसको हम प्रेशराइज करते हैं। बिल्कुल सही है कि आपको पता है कि जो आपका समुद्री जल होता है जैसे इसराइल वगैरह में, वहाँ उन देशों में पीने के पानी की बहुत कमी होती है, तो अलवणीकरण उसमें जो सॉल्ट अवेलेबल होते हैं उसको छानते हैं, तो ये प्रोसेस तो सही है। दूसरा कह रहा है पेयजल प्रतिलोम पराश्रम, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं हम? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी सही है भाई, आपको पता है सबके घरों में लगभग आरओ लगा ही होता है आजकल, या जो भी मशीन पानी को छानती है वो उसी पे बिलोंग करती है, तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी सही है भाई, पेयजल के लिए क्या करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस सही है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतिकरण, हाँ ये बहुत ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन जो होता है जब उसको हम हीट दे देते हैं तो डी नेचर्ड हो जाता है। क्या होता है? डी नेचर्ड। तो डी नेचर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं विकृतिकरण बोलते हैं। तो भाई प्रोटीन जैसे दूध है, दूध को अगर फट जाता है तो उसका प्रोटीन नष्ट हो जाता है, तो क्या होता है उसको बोलते हैं डीनेचराइज्ड। ठीक है, डीनेचर्ड प्रोटीन। तो हाँ सही बात है, प्रोटीन का आपका डीनेचुरेशन होता है। पाश्चराइजेशन चाय का, चाय का कहाँ पाश्चराइजेशन? पाश्चराइजेशन किसका होता है? मिल्क का होता है। पाश्चराइजेशन किसका होता है? मिल्क का होता है। चाय का पाश्चराइजेशन नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पाश्चराइजेशन आपको पता होगा कि बहुत ही तेजी के साथ बहुत कम समय के लिए किसी सब्सटेंस का हीट बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और फिर
तुरंत घटा देते हैं, उसको हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। इससे होता है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उसी को हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी आपके लुई पाश्चर साहब ने की थी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ठीक है, शाकनाशक मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह उसको किल करने का जो काम करेगा उसको हम शाकनाशक कहते हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, कभी पॉसिबल नहीं है कि क्या होता है KMnO4, ये तो होगा ही नहीं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaCaOCl2 ये भी नहीं है। तो बचा हमारा क्या, सोडियम क्लोरेट। जो सोडियम क्लोरेट होता है ये शाकनाशक जो दवाएं होती है जो कि जैसे बहुत ज्यादा घास वगैरह जम जाती है आपने देखा होगा, या इसके साथ साथ जो धान की खेतों वगैरह जो हार्मफुल जो घास आ जाती है, वीड्स बोलते हैं इसको, वीड्स वीड्स आ जाते हैं उनको हटाने का काम जो उसमें मेडिसिन में सोडियम क्लोराइड भी यूज होती है। इसके साथ साथ वीड्स ऐसे सबस्टेंस, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे किसी फसल में अपने आप उग जाते हैं और यूजफुल न्यूट्रिएंट को वो उस फसल से ज्यादा लेने लगते हैं, जिससे कि उस फसल की ग्रोथ रुक जाती है, उसको वीड्स कहते हैं। और वीड्स को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए जो मेडिसिन दिया उसको वीडिसाइड बोलते हैं, वीडिसाइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, शाकनाशक है, वीडिसाइड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हमें इसमें सही उत्तर चुनना है। देखिए अब जैसे अब जब भी ऐसे आ जाए तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें एक एक करके इसको कह सकते हैं कि करना होता है, ठीक है, सही करना होता है। अब आपको पता है जो केवलार होता है, जो भी आपके ब्लड प्रूफ जैकेट्स वगैरह होते हैं, जो भी ब्लड प्रूफ जैकेट्स, ब्लड प्रूफ कार्ट वगैरह, कार वगैरह या देख लेते हैं, जो भी ब्लड प्रूफ सब्सटेंस होते हैं उसमें केवलार का यूज होता है। और केवलार क्या, एक संश्लेषित रेशा है। जैसे मान ली हमने एक ब्लड प्रूफ जैकेट ले ली, अब इस ब्लड प्रूफ जैकेट में इसकी जो अलग अलग लेयर्स, ये 5-6 लेयर में उसमें जो अलग अलग लेयर्स होती हैं तो उसमें केवलार का यूज किया था। केवलार का काम ये कि इतना टफ होता है, जैसे गोली इसके अंदर अगर इंटर कर गई तो धीरे धीरे उसकी स्पीड को कम करेगा कुछ, फिर ये वाली लेयर उसको कम करेगी और करते करते आदमी इसमें गोली आपकी एम्बेडेड या फंस जाएगी। तो केवलार का काम क्या है, एक संश्लेषित रेशा है जो कि ब्लड प्रूफ जैकेट्स वगैरह में काम आता है। तो इसका केवलार का क्या हो जाएगा, ए का दो, हाँ ए का दो, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे इलिमिनेट होकर हमें एक आता है तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो जिंक फॉस्फाइट है, जो आपका जिंक फॉस्फाइट है बार बार आ रहा है, ये हमारे क्या होता है, रोडेंट नाशी बोलते हैं, या हिंदी बोल सकते हैं कृंतक नाशी। जो आप देखते हैं चूहे मारने की जो दवा आती है, कृंतक बोलते हैं चूहों को, ठीक है, चूहे से रिलेटेड जो होते हैं, तो चूहों को मारने की दवा आती है उसमें आपका जिंक फॉस्फाइट यूज होता है। ठीक है, उसमें जिंक फॉस्फाइड यूज होता है। तो सी का चार देखिए, सी का चार मतलब ये वाला, ये ऑप्शन गलत हो गया। सी का चार मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब उसके बाद जो दो मिलता है उसको आप मिला लेंगे। अब जो टेक्सॉल होता है, जो कैंसरस डिजीज है, कैंसर की जो दवाएं बनती है उसमें टेक्सॉल का यूज होता है। कैंसर की दवाई में किसका यूज होता है, टेक्सॉल का यूज होता है, या कह सकते हैं कि टेक्सॉल जो होता है कैंसर की दवा में काम करता है। और बचा हमारा क्या, नाइट्रोसेलुलस, इसकी क्या होता है, विस्फोटक की तरह काम करता है। आपको पता है कि टीएनटी और टीएनजी, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये दोनों ही एक तरह से नाइट्रोसेलुलोज हैं जो कि बम बनाने के काम आते हैं, बम बनाने के काम आते हैं आतंकवादी खासकर, इसका साथ सुरक्षा वाला होता है इसका ही प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोसेलुलोज क्या होता है, विस्फोटक हो जाएगा। टेक्सॉल क्या हो जाएगा, कैंसरोधी दवा के रूप में काम करता है। केवलार का काम क्या, संश्लेषित रेशा है जो ब्लड प्रूफ वगैरह जैकेट्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। और हमारा बचा क्या, जिंक फॉस्फाइड, ये क्या है, रोडेंटनाशी, या कह सकते हैं कि ये कृंतक नाशी की तरह काम करता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसके प्रयोगशाला में संश्लेषित होने के क्रम कालानुक्रम, इसका कालानुक्रम मिला तो होता यूसीएन से फ्लोराइड, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन पिछले वाले का ये रिपीट हो गया, थोड़ा इसके लिए सॉरी क्षमा चाहता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से कभी और मैं कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन आयोग ने सही दिया होगा, मुझसे क्वेश्चन गलत हो गया, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा जो प्रोटीन नहीं है, आपको पता है केश, जो बाल होते हैं, बाल में भी केसिन प्रोटीन होता है, ये भी सही है। लूता रेशम, भाई रेशम है तो भाई रेशम किसी भी तरह का रेशम हो, अगर रेशम बना है, अगर नेचुरल रेशम हो तो प्रोटीन ही बनता है। जो सैतूत होती है, जो सैतूत पे जो कीड़े रहते हैं, सिल्कवॉर्म बोलते हैं, वो उनका प्रोटीन ही है, तो ये भी सही है आपका। खुर, हाँ, जो बाल होते हैं, जानवरों के भी बाल होते हैं, इसके साथ उनके जो खुर होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गई या कुत्ते हो, उनके जो खुर होते हैं, या हमारे भी नाखून होते हैं, हमारे भी तो नाखून खुर ही हैं, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो बच्चा हमारा क्या, कपास, कपास शुद्ध नेचुरल है, और ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है, तो कौन सा इसका प्रोटीन नहीं है, कपास। आइए अगला देखते हैं हम। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिःस्रावी एवं हो जाएगा, अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो आपको पता है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों, कौन सी है, अग्नाशय, इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियास, क्या बोलते हैं,
पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरफ वर्क करती है। इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मिक्स ग्लैंड हम उन्हें कहते हैं जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरफ वर्क करें। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमसे बोला है तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा, जो तुलसी के पौधे होते हैं उनमें जो औषधि गुण होते हैं वो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के चलते होते हैं। किसके चलते हैं? फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स को रट्टा मार लीजिए। तुलसी के पौधे में जो औषधि गुण होते हैं जो बहुत से डिजीज को क्योर करने में काम आते हैं वो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स के चलते होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। आपको पता है बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जो आपका B1 है, विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं। और इसी की कमी से जैसे पॉलिश करे चावल होगा, जैसे मान ली चावल हमारे इसको और पॉलिश कर देते हैं, इसकी जो ऊपर की लेयर हट जाती है, ऊपर की लेयर हट जाएगी तो उसमें थायमिन हट जाएगा। और जब थायमिन हट जाएगा तो कौन सी डिजीज होगी आपकी? बेरी बेरी। आपको पता है घेंगा किसकी कमी से होता है? आपका आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। वर्णांधता किसी कमी से नहीं होता है। वर्णांधता जो होता है एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज अनुवांशिक रोग है जो वर्णांधता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। हाँ, वैसे अनुवांशिक के साथ साथ जो वर्णांधता है ये विटामिन ए की कमी से भी होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से भी होता है, इसको ध्यान देंगे। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट। तो इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा? बेरीबेरी, जो कि थायमिन कमी से होता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा, सुमेलित नहीं है, ध्यान देना हमें। विटामिन B6 धान की चोकर या राइस ब्रान में, विटामिन B2 कॉड लिवर। यही गलत है। आपको पता है कि जो कॉड लिवर ऑयल होता है इसमें विटामिन डी मिलता है बहुत अच्छे अमाउंट में। क्या मिलता है? विटामिन डी। जो कॉड लिवर ऑयल होता है ये जो जो बड़ी मछलियां होती है उसके एक्रिस से जो तेल निकलता है उसमें विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बाकी सारे ऑप्शन क्या सही है? क्योंकि आपको पता है विटामिन ई जो होता है गेहूं का जो अंकुर होता है, जैसे गेहूं का जो कह सकते हैं कि उसको जो स्प्राउट होता है गेहूं का, उसमें आपको बहुत ज्यादा विटामिन ई मिलता है जो कि बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजीज में हेल्पफुल होता है। विटामिन के आपको पता अल्फा अल्फा घास होती है जिसमें आपको विटामिन के बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। और जो धान की चोकर होती है उसमें आपके विटामिन B6 या पैराडॉक्सिन आराम से मिल जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक को जिसमें एक को स्टेटमेंट ए और दूसरे को आपका फैक्टर या कारण आर बोला जा रहा है। देखना, कह रहा है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता। बिल्कुल सही बात है। जो मैक्सिमम जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में तो संश्लेषित नहीं होते, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये दोनों ही हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया? ये तो गलत सही है। कह रहा है मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को ही संश्लेषित करता है। अरे भैया, मानव बहुत से सूक्ष्म तत्वों को संश्लेषित करता भी है, नहीं भी करता है, तो ये तो गलत हो गया। बिल्कुल ए सही है, आर गलत है। ए सही, आर गलत, ये तो नहीं। ए तो बचा हमारा क्या? ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एंजाइम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एंजाइम के संदर्भ निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए इसमें ये बता रही नीचे की लाइन दूसरी गलत हो गई है कि एंजाइम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। आपको पता है एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट, ये बायो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। और जहाँ पे भी जो भी हमारी बॉडी में जो बहुत सारे कह सकते हैं कि मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, उसके लिए बायो कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कह रहा है ये शरीर में उसी स्थान, ये स्थान हो जाएगा, ये शरीर में उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ की उत्पत्ति होती है। हाँ बिल्कुल, बायो कैटलिस्ट एंजाइम्स मेनली वहीं पे कार्य करते हैं जहाँ ये बनते हैं मेनली। ठीक है, और जबकि जो हार्मोन्स होता है ठीक उल्टे होते हैं। हार्मोन्स बनते कहीं और कार्य कहीं और करते हैं। तो याद रखिएगा हार्मोन्स और एंजाइम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि हार्मोन्स बनेगा कहीं और, कहा कहीं और करेगा, एंजाइम्स जहां बनेगा जल्दी वहीं पे काम करता है। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है माँ का दूध नवजात के लिए संपूर्ण आहार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। आपको पता है कि माँ के दूध में कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब मिलेगा, केवल दो ही चीज नहीं मिलती, विटामिन सी नहीं मिलता और एक लोहा नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? विटामिन सी और लोहा। क्योंकि विटामिन सी मिलेगा फट जाएगा और लोहा नहीं मिलता है, इसलिए कुछ जगहों पे आप माँ के दूध को संपूर्ण आहार नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो आपको ये बात पता होगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। जो तिलचट्टा होता है इसमें तिलचट्टे में जो आपके रक्त है, ठीक है,
वो सफेद होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसका रक्त क्या होता है वो बिल्कुल वाइटिस होता है। क्या होता है वाइटिस, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं। आपको पता बहुत बार रिपीट हो रहा है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु कहाँ होता है, दाल में, जो लेग्युमिनस प्लांट है जिसमें आपके अरहर की दाल हो गई, सोयाबीन हो गई, उन्हीं सब के साथ जुड़ के अपना ये कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अगला देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं है बोला जा रहा है। ऑक्सीटोसिन, आपको पता है ऑक्सीटोसिन एक बिल्कुल हार्मोन है जो कि आपकी सेक्सुअल डिजायर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और ये मेल फीमेल दोनों में ही आपका सिक्रेट होता है। नेक्स्ट कह रहा है स्पार्टेम संश्लेषित मधुरखा, जो स्पार्टेम है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है जस्ट लाइक सक्रीन, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है नियोप्रिन, क्या नियोप्रिन संश्लेषित रबड़ है, हाँ ये क्वेश्चन बार बार आ, नियोप्रिन जो होता है बिल्कुल संश्लेषित रबड़ है जिसमें आपका सल्फर के कंपाउंड भी यूज होते हैं। फिर कह रहा है रेयान, रेयान क्या एक रूपांतरित स्टार्च है, नहीं, रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये एक विनिर्मित है, प्राकृतिक स्रोतों से ये प्राप्त किया जाता है, तो ये भी ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रेयान होता है ये विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों से तथा वृक्ष और अन्य से भी प्राप्त किया जाता है, तो ये टोटली रूपांतरित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा गलत, हमारा ऑप्शन डी। तो इस तरह हमने 2019 के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है, ठीक है। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।